दोस्तों आपने देखा होगा एक जो वीडियो वायरल हो रहा था कैरी मिंटी का, टिकटॉक बेस्ड यूट्यूब, जो कि एक रोस्टिंग वीडियो था जिसे अब यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब गाइडलाइन के तहत उसे अभी यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब डिलीट कर दिया गया है। कि उसमें क्या था, जैसे कि इस तरह के जो वीडियो होते हैं वो यूट्यूब गाइडलाइन के अंदर आते हैं, तो इस तरह के वीडियो को हमेशा डिलीट कर दिया जाता है। तो इसमें इन्होंने जो इस तरह का वीडियो बनाया है, तो इस तरह के वीडियो को लोगों ने कई बार बनाए हैं, वैसे रीयूज करके यहाँ पर अपलोड किया है। दोस्तों ये YouTube की साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट पॉलिसी, जो इंस्ट्रक्टिव पॉलिसी है, उसके तहत आता है। अगर आप यहाँ पर इस तरह के कोई भी कंटेंट डालते हैं तो आपको मैम नहीं किया जाता है, जो आपका चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आमतौर पे बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस पॉलिसी के तहत एक बार आपको मौका मिल जाता है, अगर आप एक बार करते हैं तो यहाँ पर माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप इसे रीयूज करके डालते हैं दोबारा से, यहाँ पर जो आपका मोनेटाइजेशन है उसे डिसेबल कर दिया जाता है। अगर आप इसे फिर से बार बार करते हैं तो यहाँ पर जो आपका चैनल है पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड, कुछ आप इस तरह के अगर रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये गाइडलाइन जो दी गई हैं यूट्यूब की तरफ से, इन पॉलिसी को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर ये गाइडलाइन आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। तो फ्रेंड, मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना चाहिए, और अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर यूट्यूब अपने यहाँ पर नए नए अपडेट्स लेकर आता रहता है, जैसे कि इस पॉलिसी के तहत। ये पॉलिसी पहले नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर जो दिसंबर 19 में यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से इस गाइडलाइन के जरिए यहाँ पर बताया गया था कि ये जो पॉलिसी है वो अब क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इस तरह के कोई कंटेंट डालते हैं रोस्टिंग वगैरह में हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस गाइडलाइन के तहत पॉलिसी के अंडर आता है तो इस तरह की वीडियो को यहाँ पर रखा जाएगा, और इससे जो अलग बाहर जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर डिलीटेड कर दिया जाएगा, और आपके लिए अगर ये बार बार करते तो यहाँ पर चैनल टर्मिनेटेड भी कर दिया जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह के यहाँ पर अपडेट्स हमेशा आते रहते हैं, तो आपको हमेशा जो अपडेट्स आते रहते हैं उन्हें पढ़ते रहना चाहिए, और इस तरह के जो वीडियोज वगैरह बनते हैं उनमें हमेशा कुछ ना कुछ आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप जो भी कंटेंट यूज करते हैं उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसमें एक ऐसी बात भी कि इस वीडियो पर कॉपीराइट आया ही नहीं, डायरेक्ट इसे डिलीट किया गया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये डिलीट नहीं हुआ, उन्होंने खुद किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप वीडियो यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर डिलीटेड लिख के आएगा। तो इस तरह के जो वीडियो है पॉलिसी के अंडर आते हैं और इन्हें डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप जो वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो उनको आपको समझना चाहिए, क्योंकि जो आप वीडियो डालें, क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक और यूट्यूब में बहुत फर्क है, तो इस तरह के वीडियोज़ पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। और आप जब भी ये वीडियो डालते हैं तो इन चीज़ों पर आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इन वीडियो में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है आपको बनाने में, क्योंकि यूट्यूब पर आप ये नहीं कि दिन में बहुत सारे वीडियो डाल पाएँ, तो एक ही दो डाल पाते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको यूट्यूब पर यहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है। तो फ्रेंड, अगर मुझे लगता है आपको यहाँ पर इसके समझ में आया हो, तो आपको अगले ध्यान रखना है, जब भी आप कोई कंटेंट डालेंगे तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड, आपको अगर ऐसे यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो हैं, चाहे जिस भी चैनल पर आप बनाते हो या जिस भी न्यूज पर बनाते हो, दोस्तों आप इस तरह के वीडियो यूट्यूब रीयूज पॉलिसी के तहत डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह के जो वीडियो डालते हैं तो यहाँ पर कॉमेडी या यहाँ पर हंसी मजाक तक तो सही रहते हैं, लेकिन आप इससे अगर ऊपर जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट पॉलिसी के तहत आप अगर बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपके इस तरह के वीडियो कंटेंट है वो हमेशा हटा दिए जाते हैं। दोस्तों, आप इस तरह के अगर वीडियोज वगैरह बनाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना होता है। अगर आप इस गाइडलाइन के अनुसार, अगर आप इस पॉलिसी के अनुसार नहीं बनाते तो आपका जो चैनल है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है, और यहाँ पर जो आपका चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसी हैं जिनके तहत आप अपने कंटेंट को बना सकते हैं, लेकिन आपको इनको बहुत ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइन दी गई हैं, तो आपको उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिए गए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।